नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे हैप्पी किचन में। दोस्तों तो मैंने बनाया है चॉकलेट केक, जो चॉकलेट बिस्किट से बनाया है, क्रीम चॉकलेट बिस्किट है। तो दोस्तों चलिए फिर देखते हैं कि मैंने किस तरीके से बनाया है चॉकलेट का क्रीम का बिस्किट। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे बिस्किट से, जो ये चॉकलेट बिस्किट है इससे बनाएंगे केक। तो केक बनाने के लिए मैंने यहाँ एक गिलास दूध लिए हैं, इनो है, बिस्किट है, सिंपल ही बनाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो इसको हम जल लिए हैं, इसमें हम सारे बिस्कुट को इस तरीके से डाल देंगे। अब इसमें हम डाल रहे हैं दूध, इनो है, इस तरीके से। अब इसको हम इस जार में रख दिए हैं, अब इसको हम पीसेंगे। साइड से मुझे देसी घी है, मैं इसको इस तरीके से लगा देती हूँ ताकि निकालने में कोई दिक्कत ना हो। इसके ऊपर से हम थोड़ा सा इस तरीके से बैटर हो गया है तैयार मेरा। देखिए कुकर मेरा गर्म हो गया है, इस कुकर में मैंने एक कटोरी रखी है। आपके पास अगर रखने वाला हो स्टैंड वगैरह तो आप रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं है तो इसलिए मैंने कुकर में ही कटोरी रख दिया है। बहुत ही आसान सर तरीके से हम इसको रखेंगे। देखिए मैंने बहुत आराम से, कुकर मेरा बहुत गर्म है इसलिए मैं बहुत आराम से इसको रखा है, क्योंकि इस तरीके से जलने का डर है, लेकिन फिर भी मैंने रखा इस तरीके से आराम से। अब हम इस कुकर को बंद कर देंगे 25 मिनट, लमसम 30 मिनट के लिए। इस तरीके से 30 मिनट तक मुझे इसे रखे रहना है। दोस्तों देखिए मेरा केक बनके हो गया है रेडी, बहुत ही अच्छा बना हुआ है। तो अब इसको इस तरीके से हम काटते हैं, देखिए बिल्कुल स्पंजी बना हुआ है केक। तो देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी केक बन के रेडी हुआ है, देखिए इस तरीके से, और बहुत ही स्पंजी है। देखिए बहुत ही अच्छा केक बन के रेडी हुआ है मेरा। तो आप भी इस तरीके से केक बनाइए बिस्किट से। दोस्तों अगर ये केक की रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए दोस्तों, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए दोस्तों, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।